सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का हिंदी क्षितिज पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ पुस्तक निकाल लें। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला। प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता पढ़े थे, जो कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो शोषण तंत्र को उजागर करती है, और प्रतंत्रता के दिनों में यह कविता भारतीय देशभक्तों के बीच अत्यधिक प्रिय रही है। इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी शासकों के जुल्म अत्याचारों को बखूबी वारा गया है। और यह कविता जेल में एकांगी और उदासी भरे माहौल से उत्पन्न दुख, असंतोष और आक्रोश को व्यक्त करती है। कवि जेल में बंदी बना सोचता यह है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का गीत गाने का है। कवि कल्पना करता है कि पेड़ पर बैठी कोयल ने स्वयं को कैदी मान लिया है, वह पूरे देश को जेल के रूप में अनुभव करती है। इसलिए वह एक दिन आधी रात को करुण स्वर में चीख उठती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उसकी इसी करुण चित्रकार को लिपिबद्ध किया है, जो इस प्रकार है। क्यों फूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रख वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्ध रात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। फूक शब्द का अर्थ होता है, प्यारे बच्चों, दिल में बेचैनी से उत्पन्न चित्रकार करने का भावना। वेदना शब्द का अर्थ होता है दुख। मृदुल शब्द आया है कि मृदुल वैभव की रखवाले से। मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल, और वैभव का अर्थ होता है सुख समृद्धि। रखवाली करना, रखवाली शब्द का अर्थ होता है चौकीदारी करना। और बावली पागल भी शब्द का अर्थ होता है पागलपन या पागल। अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि शब्द का अर्थ होता है आधी रात को। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दावानल शब्द का अर्थ होता है जंगल में लगी आग, ज्वालाएं मीन्स लगते। तो क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, प्रस्तुत पंक्ति काव्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित देश प्रेम से ओतप्रोत कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। और इन पंक्तियों में कवि विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए आधी रात में जो चित्रकारने वाली कोयल की व्यथा को व्यक्त करते हुए लिखता है कि यह जो आधी रात्रि है, और इस आधी रात्रि में चित्कारने वाली कोयल से पूछ रहा है कि तुम्हारे हृदय में वह ऐसा कौन सा बेचैनी प्रकट हो रही है, बेचैन कर देने वाला दुख था जिसके बोझ से थके मार कर तुम चिल्ला पड़ी हो। यह अत्याचारियों लुटेरों ने तुम्हारा क्या क्या लूट छीन लिया है, जिस कारण बस जिसकी तुमने रखवाली कर रही थी, लुटोरे ने तुम्हारा कौन सा सुख समृद्धि छीन ली है, कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बतलाओ। यहाँ या बिना वजह ही पागलपन छा गया हुआ है कि अर्ध रात्रि में आकर कूक रही हो, जो इतनी रात को तुम चिल्लाने लगी हो, हे सखी कोयल कुछ तो बतलाओ, क्या तुमने किसी जंगल में आग को भयानक लपेटों को देख लिया है जिस कारण मशकूक रही हो, जिसके भय से तुम चिल्लाने लगी हो, हे सखी कोयल मुझे इस विषय में कुछ तो बतलाओ, कोकिल बोलो तो। कुछ इसमें शब्दार्थ लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखें शब्दार्थ। हुक शब्द का अर्थ होता है, प्यारे बच्चों, दिल में बेचैनी से, उत्पन्न
उत्पन्न चित्तकार करने की भावना, करने की भावना। नेक्स्ट देंगे वेदना। वेदना शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दुख, दुख। मृदुल, मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल। वैभव, वैभव शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सुख समृद्धि, सुख समृद्धि। रखवाली करना, रखवाली शब्द का अर्थ होता है चौकीदारी। बावली, बावली शब्द का अर्थ होता है पागल। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि शब्द का अर्थ होता है आधी रात। और दावानल, दावानल शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग। और लास्ट जो है ज्वालाएं, ज्वालाएं, ज्वालाएं शब्द का अर्थ होता है लपेटें। ठीक है,